हमारी पीढ़ी शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग रहना दिया जाए, इसको डाकिया विभाग न बनाए, इसको क्लर्क विभाग न बनाए। जी आज ये जो हमारे ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, 10 मार्च के आसपास आपको फिल्म भी दिखाएंगे, बहुत ही शानदार होगी। और ये मेरे पे केस करें, यदि संवैधानिक संस्था मेरे से प्रूफ लगी तो प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। राहुल गांधी जी के हाथ में कुछ नहीं, उन्हें भारत जो तो जुड़ा है पहले से, भारत तक क्या जोड़ेंगे भारत को, भारत को जोड़ना तो पीएको में चलो हम साथ हैं। मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि हम सत्याग्रह करें, क्योंकि राजस्थान के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री खुद को गांधीवादी कहते हैं, लेकिन राजस्थान में जो गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करते हैं तो हमें नजरबंद कर दिया जाता है, लाठियां बरसाई जाती हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि सत्याग्रह का रास्ता हम अपनाएं। तो क्या मांग है आपकी? एक ही मांग है, ट्रांसफर बिना किसी पॉलिसी, पीटीआई के नई भर्ती से पहले ट्रांसफर हो, टीएसपी क्षेत्रों का गृह जिले में समायोजन हो, और आवेदनकर्ता 25,000 शिक्षकों का ट्रांसफर अपने उनके होम डिस्ट्रिक्ट में हो, उनके चाहत स्थान पे हो। ट्रांसफर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या कारण है? हमारा ये संवैधानिक राइट है। शिक्षा विभाग में चपरासी का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग की मूल रीढ़ की हड्डी थर्ड ग्रेड के टीचर का ट्रांसफर नहीं होता। दूध पिलाना, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, सारे काम किसी जनकल्याणकारी योजना का धरातल पर क्रियान्वयन करना थर्ड ग्रेड का टीचर करता है, लेकिन जब लेने की बात आती है सब कुछ इससे लेते हैं, देने की बात आती है तो कुछ नहीं मिलता, आश्वासन के सिवा, लाठियों के सिवा, जुमलों के सिवा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से निजीकरण बढ़ता जा रहा है, जहां नौकरियां सुरक्षित नहीं है वहां ट्रांसफर की आवश्यकता पड़ रही है? भारत बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान पे चलता है, और संविधान हमें ये राइट देता है, यदि आपको ट्रांसफर नहीं करना तो किसी के मत करो ना। थर्ड ग्रेड के टीचर ने कोई बहस थोड़ी खोल रखी है गहलोत साहब की, भाई सभी के मत करो, उनके क्यों कर रहे हो? फिर आवेदन क्यों ले लिया आपने, आवेदन लेके आपने पैसे क्यों ले लिए ट्रांसफर के नाम पे? और आप ट्रांसफर तो करने पड़ेंगे, चाहे शिक्षा मंत्री को बदलाना पड़े, मुख्यमंत्री को बदलाना पड़े, ट्रांसफर तो करने पड़ेंगे। भाई माझी फिल्म का शानदार डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ट्रांसफर जब तक नहीं करेंगे जब तक कैसे करवाएंगे? लोकतंत्र के अंदर चाहे धरना प्रदर्शन, अनशन आमड़नशन, कानूनी प्रक्रिया जो हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, ट्रांसफर करवाएंगे। सरकार तो कह रही है कि हम तो अपनी बिजली बिल को ठीक कर रहे हैं। सरकार कह रही है आपको, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ राजस्थान आइए। हमारी राजस्थान की अतिथि देवो भव की परंपरा बड़ी शानदार है, और वीर और वीरांगनाओं की भूमि, एक बार आइए और हकीकत देखिए। पीड़ा क्या है? हमारी पीड़ा शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग रहना दिया जाए, इसको डाकिया विभाग न बनाए, इसको क्लर्क विभाग न बनाए। विडम्बना है कि हमारे 95% शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक को पढ़ाने के लिए स्कूल ही नहीं भेज रही सरकार। मैं जहाँ स्कूल में हूँ, सबसे पुराने स्कूल है, मैं हेडमास्टर हूँ, मेरे पास 8 का स्टाफ है, 8 के 8 स्टाफ को BLO बना रखा है, और अलग अलग एजेंसी एग्जामों करवा रखा है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अभिभावक वापस ले जाते हैं। कितने टीचर हैं राजस्थान में? 8 लाख लगभग कार्मिक कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 1,85,000 के आसपास अलग अलग जगह से आए। जी आज ये जो हमारे ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, 10 मार्च के आसपास आपको फिल्म भी दिखाएंगे, बहुत ही शानदार होगी। सरकार के आपके माध्यम से खुली चेतावनी है कि फरवरी के अंदर आप ट्रांसफर प्रक्रिया स्टार्ट करें, अन्यथा या आला कमान से, क्योंकि वहां से आला कमान से कांग्रेस चलती है, तो यहाँ आकर यदि हम फिर आमरणसन करेंगे, किसान भी हमारे साथ हैं, युवा भी साथ हैं, तो उसके लिए एक चाहिए, फिर हमें आमरणसन करना पड़े, ऐसी से घेराव करना पड़े, पैदल मार्च करना पड़े। अभी अभी आए थे, या था आज, आपके माध्यम से बात पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी मैंने PMO के अंदर भी लेटर दिया है, जहाँ जाके आया हूँ, और AICC गया हूँ, वहाँ मुझे कल 11 बजे AICC के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने बुलाया है, तो कल विस्तार से और चर्चा होगी, यदि सहमति बनती है ट्रांसफर प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हरपाल दादरवाला कोई नेता नहीं बनना, यदि ट्रांसफर नहीं करते हैं तो मार्च के अंदर 10 मार्च को मैं जो कहता हूं मैं करता हूं। मैंने पिछले साल कहा था 7 फरवरी संसद में बैठूंगा, अनशन मैंने किया, मैंने कहा दिल्ली राजस्थान की यात्रा करूंगा, की 27 तारीख को तबादला आक्रोश ले निकाली, इस आज की डेट में जंतर मंत्र पे घेराव किया, और यदि ऐसा नहीं होता 10 मार्च से मैं इसी जंतर मंतर पे तबादलों की मांग को लेकर आमरणसन पे बैठूंगा। सभी विभागों ट्रांसफर हो रहे हैं, तबादला उद्योग खुले हुए हैं राजस्थान के अंदर, बोलियां लग रही हैं, मंत्रालय बिखर रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि बोलियां लग रही हैं सर। बिल्कुल, आप जिस दिन कोई संविधान, मैं तो कहता हूँ मेरे पे केस करें, मानहानि का मुकदमा कर दे मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, और मेरे पे केस करें, यदि संवैधानिक संस्था मेरे से प्रूफ लगी तो प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। विश्व गुरु में गुरु सुरक्षित है आज,
मैं और देश की तो बात करूंगा, राजस्थान की स्थिति तो बड़ी विकट है। कुछ बोलते लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वहां पे कुछ बोलते हैं तो सीधा सस्पेंड करते हैं। मैंने वो दर्द सहा है, मैंने 9 महीने सस्पेंड रहा हूँ, मैंने अनशन किए हैं, और भी कई साथी भी अपनी सिर्फबाजी मांग उठाने के लिए सस्पेंड चल रहे हैं। आज ये जो शेर दिल शेर जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, आज इनके चेहरे सरकार के तक जा चुके हैं। अब सरकार के पास 2 विकल्प हैं, या तो इन शेर और शेरणियों को ट्रांसफर करके इनके इच्छित स्थान में भेज दीजिए, या इनको आंदोलनकारी बना दीजिए, फिर इन आंदोलनकारियों को आप आतंकवादी नाम दिए, देशद्रोही नाम दिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को, आप तबादले की बात कर रहे हैं। अरे तो मेरा भाई, यदि नौकरी नहीं मिल रही तो सभी को, जो हमारे राजस्थान में 8 लाख कार्मिक है, RPSC का एग्जाम दिया है, नौकरी लगे हैं, जब भी तो नौकरी कर रहे हैं, हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहे हैं, बाकी विभाग में क्यों कर रहे हैं ट्रांसफर। हम तो इतना ही चाह रहे हैं सबको बैन लगा दो, सबको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। KVS के अंदर आर्मी में, डॉक्टर में, बैंक में, सब में होता है। हमने क्या बिगाड़ रखा है उनका, जबकि काम सारा हम कर रहे हैं उनका। मैं खुद स्वयं राहुल गांधी जी से मिलने सवाई माधोपुर गया था, मेरी मुलाकात हुई थी, CM तक वो बात पहुंची, CM ने शिक्षा मंत्री का, शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, प्रभारी ने कहा, फिर उधर से उनका जो सचिवालय और रोक लगा देता है। राहुल गांधी जी के हाथ में कुछ नहीं, उन्हें भारत जो तो जुड़ा जुड़ा है पहले से, भारत तक क्या जोड़ेंगे भारत को, भारत को जोड़ना है तो PA में चलो, हम साथ हैं, उसको साथ लो, भारत जुड़ा हुआ है। उसी समय राजस्थान में 7 जिलों में यात्रा की राहुल गांधी ने, मैंने 27 जिलों में यात्रा की, और राहुल गांधी से कम मीडिया कवरेज आपके आप जैसे साथियों ने नहीं दिया, और बहुत ही शानदार मीडिया कवरेज था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज मजबूत है, इसीलिए लोकतंत्र बचा हुआ है। कल आपके सर खड़गे साथ ही मीटिंग है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया, और क्या आपको लगता है कि मांगे पूरी हैं? उन्होंने एक मेरे से प्रस्ताव मांगा कि ट्रांसफर करें तो कैसे आधार पे करें, कैसे करें, क्या करें। मैं एक्चुअली मेरे पास में जिस फॉर्मेट में वो लेना चाहेंगे, मैं उस फॉर्मेट के अंदर मेरे पास में व्यवस्था है। सरकार पे विश्वास उठ गया, पानी जब सर से ऊपर आ जाता है तैरने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ये आज इस यमुना नदी के किनारे बसे हुए दिल्ली के अंदर तैरने आए हैं, और मैं विश्वास है हमारे पे ही कि हम ये लड़ाई जीत लेंगे और तैर के बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब इस तैरने के अंदर जो हमारा साथ देगा, जो उसका तो हम साथ हैं। 2023 की राजस्थान की सत्ता का निर्धारण हम ही करेंगे। 14 अप्रैल से तबादला होने के बाद में हम शिक्षा बचाओ यात्रा निकालेंगे। 5 अगस्त को जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस दिन जम्मू कश्मीर एक हुआ था, उस दिन हम राजस्थान में शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावक महाकुंभ बना कर रहे हैं। उस दिन राजस्थान की सत्ता पर 2023 में काबिज कौन होगा, उस मंच के माध्यम से हरपाल दादरवाला बताएगा, और आप इस चीज को नोट कर लेना। 2024 में 5 साल बाद तो हर बार सत्ता बदलती है सरकार, BJP फिर कांग्रेस, हर बार सर अब की बार क्या पता राजस्थान के अंदर तीसरा कोई विकल्प आ जाए। अभी विकल्प वो RLD चंद्रशेखर जी गठबंधन भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, संयुक्त शिक्षक मोर्चा भी हो सकता है, तीसरा मोर्चा भी हो सकता है, किरोड़ी लाल भी हो सकता है। कांग्रेस और BJP की टक्कर में तो कोई नहीं है, और आज दिल्ली में भी कोई नहीं था 15 साल शिक्षा में, बस 15 साल तक पहले BJP थी, फिर शीला दीक्षित थे, आज कहाँ है उनका 0% वोट शेयर है उनका। आज गुजरात के अंदर जाके केजरीवाल ने करी है, पंजाब के अंदर सुपड़ा साहब कर दिया, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, जनता जागती है। JP आंदोलन होते हैं, 9 स्टेटों के मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, तो ये तो इतिहास गवाह है, लोकतंत्र का ये अनोखा शानदार नवाचार होता है जो करेंगे हम भी। अच्छा फाइनल बता दीजिए सर कि खड़गे साहब अगर आप नहीं करते, आपकी सुनवाई नहीं करते तो आप क्या? मैं खड़गे साहब को साफ कह के जाऊंगा कि खड़गे साहब जी, आपके चाहे आपको मंत्री बदलने पड़े, मुख्यमंत्री बदलने पड़े, आप ट्रांसफर करवा दीजिए। 10 मार्च से इसी जगह जंतर मंत्र जो राजस्थान भारत के आंदोलन की शरण स्थली, यहाँ ही आमरण अनशन करूंगा।